हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन लाइव चैनल के इस कार्यक्रम में मित्रों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों आज हम आपके सम्मुख 12 राशियों का राशिफल मेष राशि से लेकर और मीन राशि तक जो कि माह जुलाई 2020 से संबंधित है उसको लेकर के उपस्थित हुए हैं और एक एक करके सभी राशियों की चर्चा हम आपके साथ करेंगे। लेकिन अभी जिस राशि के जातकों के हम राशिफल की चर्चा करने जा रहे हैं वो मकर राशि है और मकर राशि के जातकों की राशिफल की चर्चा हम करेंगे आपके साथ अभी फिलहाल। और चर्चा करें इससे पहले हम आपको जो वर्तमान में आपके ग्रहों की स्थिति है गोचर में यानी आसमान में उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी पूर्ण जानकारी आपको देंगे कि कौन कौन ग्रह किस राशि में उपस्थित हैं, कहां उनका संचार हो रहा है, किन किन ग्रहों के साथ उनकी युति बनी हुई है, कब वो अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं या नहीं करेंगे वगैरह वगैरह। क्योंकि ये जो ग्रहों की स्थिति है इसी का ही हमारे जीवन पर अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ता है और उसी के ही आधार पर राशिफल भी तैयार होता है। तो यह जानना आपके लिए अति आवश्यक है कि ग्रहों की स्थिति कैसी है। तो आइए हम जानते हैं ग्रहों की स्थिति के विषय में और सर्वप्रथम जो चर्चा करेंगे हम आपके साथ सूर्यदेव की करेंगे जो कि वर्तमान में अपनी सम राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं अपने सम ग्रह बुध और शत्रु ग्रह राहु के साथ। लेकिन मित्रों 16 जुलाई को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और 16 जुलाई को ये मिथुन राशि से निकलेंगे और अपनी मित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। ये तो थी सूर्यदेव की स्थिति। लेकिन जहां पर इनका अभी वर्तमान में संचार चल रहा है मिथुन राशि में वो आपके चार्ट में मकर राशि के जो जातक हैं उनके कुंडली में मिथुन राशि कहां पर स्थित है इसके विषय में आपको बता देते हैं कि ये मकर राशि के जो जातक हैं उनके ये छठे भाव में मिथुन राशि स्थित है यानी कि सिक्स हाउस में। आगे चर्चा करेंगे आपसे मंगल ग्रह के विषय में। तो मित्रों बताना चाहेंगे कि मंगल ग्रह जो है वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं और पूरे माह ये इसी राशि में ही संचार करते रहेंगे उदय एवं मार्गी अवस्था में। अब आपको बता दें कि ये मीन राशि इनकी जो मित्र राशि जहां पर इनका पूरे माह इसी प्रकार संचार होगा जुलाई में ये आपके कुंडली में कहां पर स्थित है। तो ये आपके कुंडली के तृतीय भाव में स्थित है जिसको हम थर्ड हाउस के नाम से भी जानते हैं। आगे चर्चा करेंगे बुध ग्रह की। तो मित्रों बुध ग्रह जो है वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मिथुन में वक्री एवं अस्त अवस्था में संचार कर रहे हैं लेकिन ये 9 जुलाई को पूर्व में उदय होंगे और 12 जुलाई को ये मार्गी भी हो जाएंगे यानी 12 जुलाई को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। ये इस माह के अंत तक बुध जो है इनका संचार इसी राशि में होता रहेगा पूरे माह अपने समग्रह राहु के साथ तथा 15 जुलाई तक इनका संचार होगा इसी मिथुन राशि में जो कि इनकी अपनी स्वयं की राशि है अपने मित्र ग्रह सूर्यदेव के साथ। और ये जो मिथुन राशि है इसके विषय में हम आपको बता ही चुके हैं कि ये आपके कुंडली के छठे भाव यानी कि सिक्स हाउस में स्थित है। आगे चर्चा करते हैं गुरु बृहस्पति देव की। तो मित्रों गुरु बृहस्पति जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि धनु में ही वक्री अवस्था में संचार कर रहे हैं अपने समग्रह केतु के साथ और इनका पूरे माह इसी ही राशि में केतु के साथ संचार होता रहेगा इसी प्रकार। और गुरु जो है उनकी जो ये राशि है धनु जहां पर इनका केतु का संचार चल रहा है ये आपके कुंडली के द्वादश भाव में यानी के 12th हाउस में और गुरु भी पूरे माह वक्री ही चाल चलेंगे यानी के उल्टी चाल ही चलेंगे अपनी स्वयं की धनु राशि में केतु के साथ। शुक्र भी अपनी स्वयं की राशि वृषभ में उदय एवं मार्ग अवस्था में पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे यानी के जो इनकी वृषभ राशि है वो आपके कुंडली के पंचम भाव यानी के 5th हाउस में स्थित है। अब बात करते हैं शनि महाराज की। शनि महाराज जो है शनि देव जी जो है वो भी अपनी स्वयं की राशि जो उनकी मकर राशि है उसमें उनका संचार चल रहा है वक्री अवस्था में और पूरे माह इसी प्रकार उनका संचार चलता रहेगा अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री अवस्था में। वक्री अवस्था यानी के उल्टी चाल। अब ये मकर राशि कहां पर है आपकी कुंडली में मित्रों ये आपके कुंडली के प्रथम भाव में स्थित है जिसको हम 1st हाउस के नाम से भी जानते हैं या फिर लगन भाव के नाम से भी जानते हैं। राहु ग्रह अपनी समराशि एवं उच्च राशि मिथुन में ही पूरे माह संचार करते रहेंगे अपने समग्रह बुध के साथ तथा 15 जुलाई तक ये संचार करेंगे अपने शत्रु ग्रह सूर्यदेव के साथ। और ये भी आपको हम बता ही रहे हैं बार बार कि मिथुन राशि आपके कुंडली के छठे भाव यानी के 6th हाउस में केतु ग्रह अपनी स्वयं की क्षमा कीजिए केतु ग्रह अपनी समराशि एवं उच्च राशि धनु में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ पूरे माह इसी प्रकार संचार करते रहेंगे यानी कि गुरु और केतु का जो है युति बना हुआ है धनु राशि में और इनका पूरे माह इसी राशि में ही संचार होता रहेगा। गुरु भी वक्री अवस्था में यहां पर संचार करते रहेंगे पूरे माह।
तो ये थी मित्रों आपके जो मकर राशि के जातक हैं उनके वर्तमान में गोचर में ग्रहों की स्थिति। अब इन ग्रहों की जो ये स्थिति बनी हुई है इसका आपके जीवन पर इस माह जुलाई में कैसे कैसे प्रभाव पड़ने वाले हैं, किस रूप में पड़ने वाले हैं, कौन से अच्छे प्रभाव पड़ेंगे, किस रूप में बुरे पड़ेंगे, इसकी हम विस्तृत चर्चा आपके साथ राशिफल के रूप में कर रहे हैं और करेंगे। हम तो आइए जानते हैं आपका राशिफल। और सर्वप्रथम आपके साथ जो चर्चा करेंगे हम मकर राशि के जातकों की माह जुलाई 2020 के लिए, वो आपके व्यवसाय की चर्चा करेंगे कि यह माह आपके व्यवसाय को लेकर के कैसा रहने वाला है। तो आइए बताते हैं। तो मित्रों मकर राशि के जातकों का वैसे तो शनि के द्वारा राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन इस माह आपको अपने कार्य क्षेत्र यानी चाहे आप रोजगार कर रहे हैं या फिर अपना कोई व्यापार कर रहे हैं उसका आंशिक लाभ ही आपको प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। ज्यादा लाभ भी आपको अवश्य ही प्राप्त होगा लेकिन कुछ माह के पश्चात, तब तक आपको समय का इंतजार करना होगा। दूसरा एक कारण यह भी है कि अभी शनि की साढ़े साथी का भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से प्रभाव होने के कारण कार्यों में कुछ समस्याएं या कह सकते हैं विलंब तथा कुछ नई नई चुनौतियां भी आपके सामने आ सकती हैं इस माह। लेकिन एक बात आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है वो जरूर आपको बताना चाहेंगे, वो ये कि इतना सब कुछ होने के पश्चात अंत में जो परिणाम आएंगे वो आपके अनुकूल ही आएंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है, ग्रहों की स्थिति के कारण ये बहुत अच्छा हो रहा है कि चलिए परेशानी आएंगी, चुनौतियां आएंगी, समस्याएं भी हो सकती हैं, है ना, लेकिन परिणाम तो कम से कम अनुकूल आएंगे अंत में। अपने जो आप मेहनत करेंगे, पसीना बहाएंगे, उसका परिणाम तो आपके अनुसार आएगा ना। ये एक बहुत अच्छी इस राशिफल में हमको ग्रहों की स्थिति के अनुसार अच्छा बात नजर आती है। इस माह की ग्रह स्थिति इस ओर भी बहुत स्पष्ट संकेत दे रही है मित्रों कि आपको कुछ विषम परिस्थितियों का सामना तो करना पड़ेगा लेकिन अंत तक गोत्वा परिणाम संतोषजनक रहेंगे, आप सेटिस्फाइड रहेंगे पूरी तरह से। माह के अंत तक आप उन परिणामों को देखकर संतुष्ट होंगे, पूर्ण रूप से निराश बिल्कुल नहीं होंगे। साथ ही हम विशेष रूप से उन व्यक्तियों के विषय में भी बताना चाहते हैं यहां पर कि जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं यानी कि नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं वगैरह वगैरह, या फिर आर्म्ड फोर्सेस से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोई भी पुलिस बल हो, चाहे वो आपका BSF हो, CRP हो वगैरह वगैरह, CISF हो, PSE हो, इस तरीके के जो भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, ये इनसे संबंधित जो लोग हैं या उनसे कार्यरत हैं, इस क्षेत्र में कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह माह संघर्ष से भरा हुआ रहेगा लेकिन उस संघर्ष का अनुकूल परिणाम भी उन्हें अंत में प्राप्त होगा और यही संघर्ष उनके आने वाले समय में उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। ये बहुत पॉजिटिव सिग्नल है आने वाले समय के लिए आप मकर राशि के जातकों के लिए। तो आप बिल्कुल भी निराश ना हो, पूरे हिम्मत के साथ, पूरे साहस के साथ अपने कार्य में लगे रहें क्योंकि परिणाम अंततः गोत्वा आपके ही अनुसार आएंगे और आगे आने वाला जो समय है उसमें भी आपके उन्नति के मार्ग जैसा हमने कहा प्रशस्त होंगे, ये आप निश्चिंत रहें। आगे चर्चा करेंगे आपके वित्तीय स्थिति की मित्रों। आय निरंतर रूप से होती रहेगी, आय के साधनों में किसी प्रकार की कोई कमी या विलंब हमें दिखाई नहीं दे रहा है इस माह। धन की स्थिति संतोषजनक रहने वाली है, छोटी बड़ी यात्राओं से बचना होगा अन्यथा धन का अनावश्यक रूप से व्यय हो जाएगा और उसका कोई लाभ भी आपको प्राप्त आर्थिक रूप से नहीं होगा। प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं भाई इस माह? हालांकि आप तो अपनी ओर से काफी उत्सुक रहने वाले हैं, अपने संबंधों को लेकर के काफी उत्सुकता रहेगी आपके अंदर, एक्साइटेड रहेंगे अपने प्रेम संबंधों को आगे ले जाने की दिशा में, लेकिन क्योंकि ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल हमें दिखाई नहीं दे रही है आपके अनुसार, तो उसके कारण आपके या तो कह सकते हैं कि सफलता का योग नहीं है, या तो ये कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि जो आप प्रयास करेंगे उसमें सफल नहीं होंगे, जैसे भी आप समझना चाहें इसको समझ सकते हैं, लेकिन यहां पर ये ग्रहों की स्थिति आपके अनुकूल नहीं है प्रेम संबंधों को लेकर के, हम अंत में यही कह सकते हैं। पारिवारिक संबंध, माह के मध्य तक तो पारिवारिक संबंध सामान्य चलेंगे आपके, लेकिन उसके पश्चात पिता और पुत्र के बीच में कुछ मतभेद पैदा हो सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी इस माह संबंधों में कुछ कड़वाहट बनी रहेगी, कोशिश करें कि इस प्रकार का जो वातावरण है उसको ना पैदा होने दें और आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार बना रहे आपके और आपके जीवन साथी के, इस प्रकार का आप अपना प्रयास करें और अपने पिता के प्रति भी कोई मतभेद ना हो इसका भी आपको कोशिश लगातार रखनी चाहिए। शिक्षा, यह माह आप छात्रों की शिक्षा को लेकर बहुत ही सहायक रहने वाला है मित्रों, आपके द्वारा किए गए प्रयासों का आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति करवाएगा। संतान,
इस माह आप अपनी संतान की ओर से पूर्णतया संतुष्ट रहने वाले हैं। उनके द्वारा जो भी कार्य किए जाएंगे उन सभी कार्यों में आपकी अपनी स्वयं की भी सहमति होगी और वो परिणाम भी आपको काफी आपके लिए सुखद रहेंगे। स्वास्थ्य बताना चाहेंगे मित्रों, इस माह के मध्य तक आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना बन रही है कि इस अवधि में आपको स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब ऐसे कौन से उपाय करें कि जिनसे आने वाली समस्याओं से आपको इस माह छुटकारा प्राप्त हो। बहुत सरल और आसान उपाय हैं जो हम बता दिया करते हैं। अगर आप उनको श्रद्धापूर्वक नियमित रूप से करेंगे तो निश्चित रूप से उनका लाभ आपको इस माह प्राप्त होगा। उपाय क्या है वह आप सुन लीजिए। शनि की साढ़े साती के प्रभाव को कम करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर भगवान शनि देव जी की प्रतिमा पर सरसों का तेल चढ़ाएं तथा सरसों के तेल का दीपक जलाकर वहीं पर पश्चिम की ओर मुख करके बैठ करके शनि स्तोत्र का पाठ करें या शनि चालीसा का पाठ करें या फिर शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, एक माला या फिर तीन माला। दूसरा उपाय, सूर्य देव को जब सुबह प्रातःकाल उठते हैं आप सोकर के, उस समय उनको प्रणाम करें, नमस्कार करें और स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनको जल अर्पित करें और साथ में इस मंत्र का भी उच्चारण करें 108 बार, तो आपके लिए बहुत लाभकारी होगा ये। और मंत्र ये है, ओम घृणी सूर्याय नमः। बहुत आसान बहुत सरल मंत्र है। और अंत में महामृत्युंजय मंत्र की कम से कम एक माला प्रतिदिन करनी है। अगर रुद्राक्ष की माला है तो बहुत अच्छा है, रुद्राक्ष की माला से ही करना चाहिए महामृत्युंजय का मंत्र, कम से कम एक माला प्रतिदिन। तो ये सरल और आसान उपाय हैं। आपको कहीं ज्यादा परेशानी तो इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ होनी चाहिए, समय निकालना है, श्रद्धा के साथ ये उपाय करें और निश्चित रूप से आपको इनका फल अच्छा ही प्राप्त होगा। और जो आप मकर राशि के जातक जो हैं उनका जो हमने ये राशिफल बताया है माह जुलाई 2020 का, अगर ये आपको राशिफल अच्छा लग रहा है जो हमने जिसकी चर्चा की अभी पसंद आया है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें तथा जो चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाएं ताकि जो भी हमारे नए कार्यक्रमों के वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समयानुसार लाभ प्राप्त कर सकें।